गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो आज के दिन की शुरुआत होती है ब्यूटीफुल मसाज के साथ। एंड एक मसाज तो मैंने कराई है वो रिजॉर्ट से, और दूसरी है ये। एंड इसकी जो फीलिंग थी वो अलग से ही मज़ेदार थी। ये उनका ऑफिस है एंड ये है मेरी मसूर जो मुझे लेके जा रही है मसाज एरिया में। बहुत ही मज़ेदार एक कमरा था जंगल के बीचों बीच, और उसमें पंछियों की आवाज़ आ रही है, हवा आ रही है फ्रेश। बहुत ही अद्भुत किस्म की फीलिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये जो मेरी मसाज लेडी है, इसे इंग्लिश नहीं आती थी, तो ये मुझे इशारे करके इसने बताया कि तुम्हें क्या क्या करना है। पर या बहुत ही अच्छी मसाज थी। मैंने लास्ट टाइम नहीं करवाई थी क्योंकि हम ऑल द टाइम बाहर घूम रहे थे और सिर्फ सोने के लिए आते थे, पर इस बार मैं सोच के गई थी मसाज करानी है। लुक एट दिस रूम, एक इस रूम का ओवरव्यू देखें कि कितना प्यारा, ग्राउंडिंग, कितना बैक टू बेसिक कमरा है ये। बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मसाज के बाद प्लान था कि आज हम लोग जाएंगे माया रुइंस। सो हस्बैंड की हो गई तबीयत थोड़ी ख़राब, एंड हस्बैंड थोड़े बच्चों के जैसे हैं कि जब थोड़ी तबीयत ख़राब होगी तो रोएंगे, मतलब रोएंगे नहीं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वो कह रहे मैं कुछ भी नहीं करूँगा। सो इसी की वजह से हमारी थोड़ी लड़ाई भी होगी, क्योंकि मैं क्या कि यार बाहर चलते हैं, इन्नी कड़ी गल है, पर पति कह रहे नहीं 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 यू डोंट लव मी, पता नहीं क्या क्या। सो नहीं घूमे हम लोग भी, सारा दिन मैं तैयार भी हो गई थी, पर हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं जाना, वो करे तुम चले जाओ अकेले। मैं अकेले मैं कितने जाऊँ, अजनबी देश में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, तुम चलो साथ में। कहे नहीं 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 नहीं। फिर यहाँ नहीं गए तो यहाँ नीचे ही आइसक्रीम की एक दुकान थी, ये हॉलिस्टिका में ही, वहाँ से मैंने हिम्मत को आइसक्रीम लेके दी। मैंने थोड़ा सा मील खाया, पर तन पति करो कि ओ आई एम सॉरी, चलो घुमा के लेके आता हूँ तुमको। तो हम लोग टलूम चले गए, वो स्ट्रिप पे जो बीच के किनारे हैं, थोड़ी हमने वॉक की, आलतू फालतू चीज़ें देखी, एंड बीच पे थोड़ा समय स्पेंड किया। एंड हमने सोचा कि हमें आए हुए लाइक 5-6 दिन हो गए हैं, क्यों ना आज इंडियन फूड खाया जाए। सो हम गए वही रेस्टोरेंट में जिसमें हम पिछली बार गए थे, शिवा। एंड हमने ऑर्डर किया राजमा राइस, क्योंकि हिम्मत को बहुत पसंद है, एंड जो हमारे दोस्त गए थे हमारे साथ उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है राजमा, तो राजमा राइस खाए एंड और 2-3 चीज़ें खाई। फूड तो इस रेस्टोरेंट का बुरा नहीं है, ठीक है, पर क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है एंड प्राइसेस थोड़े हाई की तरफ है। पर या सेटिस्फेक्शन हुई हमारी राजमा राइस खा के, मज़ा आया हमें। उसके बाद थोड़ा सा और हमने वॉक अराउंड किया एंड देन घर आके हम सो गए। अगली सुबह उठ के हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट करते हैं ये हॉलिस्टिका के कैफ़े में। हॉलिस्टिका का ये रेस्टोरेंट कैफ़े है जो यहाँ पे बाहर से भी बहुत सारे लोग आके खाना खाते हैं। तो मैं पीने वाली हूँ कैपेचिनो, और हस्बैंड के लिए मैंने ऑर्डर किया है हल्दी वाला दूध। पति को मैंने ये गोल्डन दूध लेके दिया है ताकि उनकी हड्डियों में जान आ जाए। एंड हम हिम्मत कह रहा था कि ये पूल में जाना है, पर आज हम वापस जा रहे हैं, आज हमारी शाम को फ्लाइट है तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। पर यह आप हिम्मत ने थोड़ा पूल के पास समय स्पेंड किया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि माया रुइंस दिखा देते हैं हमारे दोस्तों को, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी देख रखी है, या वो देखने वाला प्लेस है अगर आपको पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं, किले। उसके बाद हम जा रहे हैं टुलूम माया रुइंस की तरफ। ये आप देखें कि ये आपको ऐसे लगेगा कि आप इंडिया में आ गए हैं, बिल्कुल वैसी ही गलियां हैं, वैसे ही लोग हैं, शक्लें में मुझे लगता है काफ़ी सिमिलर ही है, रंग भी। सो ये है गलियां बाजार टुलूम का। ओके तो पिछली बार की तरह एक लेडी हमें मिल गई यहाँ पे, इनके पास सब्जियाँ एंड फ्रूट्स हैं, देखते हैं कि हम क्या लेंगे।
ओके सो ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार सब्जी की रेडी है एंड यहाँ पे ये गाय सामान बेच रहा है, उससे पटी लेंगे कुछ, पर उन्हें लैंग्वेज नहीं आंदी एंड इनके पास बाथू भी पड़ा है, आई डोंट नो, मुझे लगता है ये भी अपनी किसी कुकिंग में यूज़ करते हैं एंड दे ईट इट, सो दैट्स नाइस। स्ट्रॉबेरीज भी हैं, केले हैं, कद्दू है, की आनी आ गई, पर गाजर, पपीता, पपीता इनका बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे जैसा है जैसे हम खाते हैं मीठा मीठा पपीता। सो हमने सिर्फ लिए हैं बनाना एंड कोकोनट वाटर लेने वाले, पर हम ब्रेकफास्ट करके आए, ज़्यादा भूख नहीं है पर स्टिल पी लेते हैं। ओके गाइस इसके पास स्ट्रॉ नहीं है, इनको ग्लास है का ग्लास? बेचारा मेहनती गाय है। सो ये यहाँ पे हमारा दूसरी बार है, आज हमने सोचा था कि गाइड कर रहे, पर गाइड ने हमारे साथ बार्गेन नहीं किया तो हमने किया नहीं, और आज बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा गर्म है एंड हवा भी नहीं चल रही है नहीं, सो मुझे लगता है जितना हम नो यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डाउनस्टेयर। ओके सो ओशन के पास आ रहे हम लोग, यहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। सो माया रूइंस पे पहुँच गए, पर आज जो मैंने लगा टेम्परेचर था 38 डिग्रीज 32 33 था, पर इतना ज़्यादा बर्न हो रहा था ना स्किन, मुझे लगता है जिनने पिछले 5 दिन मैंने अपनी स्किन को बचा के रखा वो आज वाले दिन में होगी ख़राब, एंड ना मेरा तो चेहरा मुझे देख के पहचाना भी नहीं जा रहा था, अलग ही हो गया मेरे चेहरे का रंग एंड मेरी बॉडी का रंग, क्योंकि मुझे लगता है जिनकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है ना वो ज़्यादा से ही टैन हो जाते हैं और अलग भी लगते हैं। सो या ये निकला वो, एंड उसके बाद हमने कुछ खास नहीं किया, बस एक बार हमने कोकोनट मिल्क पिया एंड हम एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा क्राउड थी कि हमारा बहुत मुश्किल से हमने प्लेन को कैच किया दौड़ दौड़ के, क्योंकि हमें उसने गेट नंबर गलत दे दिया था, हमने रन कर करके प्लेन कैच किया और आधी रात को बैठ गए प्लेन में। और हम घर पहुंचे मुझे लग रहा है 2:30 बजे, तो सीधे सोने के लिए चले गए, पर अगली सुबह हस्बैंड कह रहे कि मूंगी मसरा की दाल खानी है एंड आलू परांठे खाने, तो वो बनाए मैंने। सो इसी तरह हमारा मैक्सिको का ट्रिप होता है पूरा। आई होप आपको ये पूरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करना। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोज़ होने वाली है हमारे मूव के बारे में, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं घर हमारा, एंड वो भी एक एडवेंचर होने वाला है, वो मैं जल्दी शेयर करूँगी, पर मैंने मेरे हाउस टूर की वीडियो शेयर कर दी है ऑलरेडी, जल्दी से देख लें, अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे बताना।
बाय बाय, लव यू सो मच।